हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम गूगल डॉक्स में कमेंट ऐड करना सीखेंगे। इसके अलावा हम डॉक्यूमेंट एडिट करते वक्त कमेंट्स को अच्छे से यूटिलाइज करना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लैपटॉप में कमेंट ऑप्शन से उनको अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। लैपटॉप यूज करके आप गूगल डॉक्यूमेंट में बहुत तरीकों से कमेंट ऐड कर सकते हो। लेट्स से मैं कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट किया तो आपको यहाँ राइट साइड में प्लस का आइकन दिखेगा, तो उस पर क्लिक करके आप कमेंट ऐड कर सकते हो। या टूल बार में आपको यहाँ प्लस का आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करके कमेंट ऐड कर सकते हो। या फिर इंसर्ट टैब में भी आपको कमेंट ऐड करने का ऑप्शन दिखेगा, या फिर अगर आप राइट क्लिक करोगे तो भी आपको यहाँ कमेंट का ऑप्शन दिखेगा। तो कमेंट ऐड करने के बहुत तरीके हैं। नेक्स्ट हम कुछ सैंपल टेक्स्ट पे कमेंट ऐड करके देखेंगे। तो उसको सिलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ ऐड कमेंट के आइकन पे क्लिक करना है। लेट्स से यहाँ पे मैं कुछ कमेंट ऐड करता हूँ, प्लीज चेंज फॉर्मेटिंग, और आपको कमेंट पे क्लिक करना है। तो आपने जो भी कमेंट किया वो राइट साइड में अपीयर हो जाएगा, तो इससे पता चलेगा कि किसने कमेंट किया, कब कमेंट किया, क्या कमेंट किया। और यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन टिक मार्क का है, उसका नाम है मार्क इज रिजोल्व्ड इन हाइड डिस्कशन, मतलब इस पर क्लिक करके आप इस कमेंट को रिजोल्व कर सकते हो, मतलब आपको कोई भी इश्यू नहीं है। तो इस पर क्लिक करना है, तो आपका कमेंट अभी रिजोल्व हो गया और राइट साइड में अपीयर नहीं होगा। अगर आपको इसको फिर से चेक करना है तो यहाँ कमेंट हिस्ट्री पर क्लिक करना है, तो आपका कमेंट यहाँ पर दिखेगा कि आपका ये कमेंट था और किसने इसको रिजोल्व किया है। अगर आपको फिर से इसको ओपन करना है तो इन थ्री डॉट्स पर क्लिक करो, फिर आपको री ओपन पर क्लिक करना है, तो आपका कमेंट अभी फिर से आ गया है। बट इसमें तीन अलग अलग स्टेप्स है, मतलब सेकंड स्टेप में ये रिजोल्व हो गया था और अभी फिर से ओपन हुआ है। इसके अलावा अगर आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, मतलब इसके जरिए आप कमेंट को डिलीट कर सकते हो। एंड नीचे ऑप्शन है गेट लिंक टू दिस कमेंट, मतलब यहाँ से इस कमेंट का लिंक मिल जाएगा जो डायरेक्टली आप किसी के साथ शेयर कर सकते हो। लेट्स से अभी के लिए हम इस कमेंट को डिलीट करते हैं, तो आपको डिलीट पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर कन्फर्मेशन मांगेगा। लेट्स से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ से ये कमेंट डिलीट हो गया है और ये कमेंट आपको अब कमेंट हिस्ट्री में भी नहीं दिखेगा, मतलब कमेंट डिलीट होते आपको पता नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ डिस्कशन भी हुआ था। इसके अलावा आप कमेंट्स में किसी को टैग भी कर सकते हो, तो उसके लिए आपको यहाँ एट द रेट टाइप करना है, फिर आपको जो भी सजेशंस आ रहे हैं उनमें से कोई सेलेक्ट कर लो, या फिर कोई मेल आईडी डाल दो। लेट्स से मैं यहाँ पे मेल्स को टैग करता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा प्लीज चेंज फॉर्मेटिंग, एंड यहाँ पे असाइन टू मेल्स पे क्लिक करोगे तो मेल्स को पता चलेगा ये टास्क उसी के लिए असाइन हुआ है, एंड आपको असाइन पे क्लिक करना है। एंड जैसे ही मैच इस डॉक्यूमेंट को ओपन करेगा तो उसको पता चलेगा कि नॉलेज ने कुछ कमेंट किया है, वहाँ पे उसको टैग भी किया है, एंड नीचे लिखा आ रहा है असाइन टू यू, मतलब ये टास्क महज को असाइन हुआ है। तो इस कमेंट पे क्लिक करके महज इसका रिप्लाई भी कर सकता है, जैसे मैं लिख देता हूँ ओके आई डू इट, एंड रिप्लाई पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे नॉलेज को पता चल जाएगा कि महज इस काम को कर लेगा। एंड जैसे ही इसकी फॉर्मेटिंग चेंज होगी आप यहाँ से कमेंट को रिजोल्व कर सकते हो, मतलब जिसको भी डॉक्यूमेंट का एक्सेस है उस टिक मार्क पे क्लिक करके इस कमेंट को रिजोल्व कर सकता है। एंड यहाँ कमेंट हिस्ट्री से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या डिस्कशन हुआ था, कोई भी कमेंट की थ्री डॉट्स पे क्लिक करके आप उसको रीओपन भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से गूगल डॉक्यूमेंट में कमेंट्स को यूज करके आप दूसरों के साथ अच्छे से कोलैबोरेट कर सकते हो। इसके अलावा लेट्स से यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, तो आपको ऐड कमेंट के नीचे इमोजी का भी ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करके आप कोई भी इमोजी ऐड कर सकते हो। तो लेट्स से यहाँ पे मैं कुछ भी फनी इमोजी ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ से आप इमोजी ऐड कर सकते हो, उसको डिलीट भी कर सकते हो, तो यहाँ पे क्लिक करके आपको रिजोल्व पे क्लिक करना है। इसके अलावा आपको इमोजी रिएक्शन के नीचे सजेस्ट एडिट्स का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके अगर आप एडिटिंग मोड चेक करोगे तो एडिटिंग की जगह आप सजेस्टिंग का ऑप्शन दिख रहा है, मतलब इस डॉक्यूमेंट में आप कुछ भी एडिट करोगे तो वो डायरेक्ट एडिट नहीं हो रहा है, मतलब आप बस सजेस्ट कर रहे हो। तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो राइट साइड में ये कमेंट की तरह अपीयर होगा, मतलब आप बस अब सजेस्ट कर रहे हो, आप कुछ भी डायरेक्ट एडिट नहीं कर रहे हो। तो अभी तक हमने लैपटॉप यूज करके गूगल डॉक्यूमेंट्स में कमेंट या इमोजी ऐड करना सीखा। नेक्स्ट हम यही ऑप्शंस मोबाइल में यूज करना सीखेंगे। मोबाइल यूज करके गूगल डॉक्यूमेंट में कमेंट ऐड करने के लिए आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, फिर आपको टॉप में प्लस का आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको कमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसमें कुछ भी कमेंट ऐड कर सकते हो। एट द रेट टाइप करके आप किसी को टैग भी कर सकते हो, ऐसे मैं लिख देता हूँ प्लीज वर्क ऑन इट, एंड सेंड पे क्लिक करना है, तो अब इसमें कमेंट ऐड हो गया है। एंड जिस भी टेक्स्ट पे कमेंट ऐड हुआ है वो अब हाईलाइट हो चुका है, उस पर क्लिक करते ही आपको पता चल जाएगा कि क्या कमेंट था। अगर आपको कमेंट हिस्ट्री चेक करना है तो टॉप में कमेंट के आइकन पे क्लिक करो, फिर इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी कमेंट हुए हैं आपको यहाँ पे सारे दिख जाएंगे। तो मोबाइल यूज करके भी गूगल डॉक्यूमेंट में कमेंट ऐड करना काफी ईजी है। इस वीडियो में हमने डॉक्यूमेंट में कमेंट ऐड करना सीखा, एंड ये भी सीखा कि जब आप कोई गूगल डॉक्यूमेंट दूसरों के साथ मिलकर एडिट कर रहे हो तो कमेंट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में।